एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने उस बैन को हटा दिया है जिसे 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 58 साल बाद रद्द कर दिया है। तो क्या है वो आदेश जिस पर उठ रहे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों बीजेपी अपने दिए आदेशों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। जहां बीजेपी शासित राज्य यूपी में दुकानों पर नाम लगाने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो वहीं अब केंद्र में बीजेपी सरकार के द्वारा 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया है। बता दें कि 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था और 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है, 58 साल का प्रतिबंध हटाया गया है। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निकर में भी आ सकती है। इसी के साथ रमेश ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का 9 जुलाई को जारी कार्यालय के मेमोरेंडम को भी शेयर किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित जानकारी दी गई है। रमेश ने 1966 के आदेश की फोटो भी शेयर की है। रमेश ने लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की जान जाने के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। तो वहीं केंद्र के फैसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की, उसको लेकर उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही है। आज यूपीएससी एनटीए की दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि आरएसएस के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।